हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को पता ही है कि विंडोज 11 आने वाला है और लॉन्च से पहले वो लीक हो गया। तो चलिए अभी हम देखेंगे विंडोज 11 को इंस्टॉल करके। अभी मैं इंस्टॉल करने के लिए यूज करूंगा वर्चुअल बॉक्स को, क्योंकि डेवलपर वर्जन है तो मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप लोग भी डायरेक्ट इंस्टॉल मत कीजिए इसको, पहले एक बार चेक करके देख लीजिए, उसके बाद ही इंस्टॉल करिएगा। तो मैं अभी इसको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करके देखूंगा कि विंडोज 11 कैसे चल रहा है। ये इसका टोटल एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। तो बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यूज करेंगे वर्चुअल बॉक्स को। पहले ऐसे एक फाइल बना लेंगे, एक विंडोज 11 नाम का फाइल बना लेंगे, जैसे कि हम लोगों को पता चले बाद में। और अभी टाइप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही रहेगा, क्योंकि हम विंडोज वर्जन यूज करेंगे तो इसलिए विंडोज ही रहेगा। और वर्जन में अभी हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज 10 64 बिट को। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अभी वर्चुअल मशीन यूज करने के लिए अब रैम की आवश्यकता है, तो रैम के लिए हम देंगे ज़्यादा नहीं, मिनिमम 2 GB रहता है। तो हम इसको लोकेट करेंगे, 2 GB रहता है मिनिमम, हम इसको देंगे 3 GB तक। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, क्रिएट, इसके बाद वर्चुअल डिस्क इमेज, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट। ये आपका सिस्टम में 50 GB का स्पेस रहना जरूरी है, और 50 GB नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंस्टॉल करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, इसमें फाइल मांगेगा, क्योंकि फाइल आई से फाइल अभी तक मैंने दिया नहीं यहाँ पर। तो फाइल में आएंगे, ब्राउज में मेरा जो फाइल है फाइल को सर्च करेंगे, विंडोज के 11 ISO फाइल, ISO फाइल को ओपन करेंगे, सिंपली इसको चूज में सिलेक्ट कर देंगे और अभी इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने से ही विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मली जैसे विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 10, विंडोज 7 जैसे इंस्टॉल कर, पूरा सेम वैसे ही इंस्टॉल होगा, पूरा प्रोसेस पूरा सेम है। सिंपली नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे थोड़ा। अभी प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो प्रोडक्ट की अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली लॉन्च नहीं हुआ, लीक वर्जन है, तो अभी इसको करेंगे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। उसके बाद वर्जन चूज कर लेंगे, अभी विंडोज 11 प्रो 64 बिट पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, फिर कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। अभी अनलोकेटेड स्पेस, जो 50 GB का स्पेस लिया था, बाय डिफॉल्ट 50 GB रहता है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 50 GB लेना जरूरी है। तो अभी इसको पार्टीशन को क्रिएट करेंगे, न्यू, अप्लाई, ओके, देन नेक्स्ट। अभी इंस्टॉल होना शुरू हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। अगर आप लोगों ने पहले विंडोज 11 को इंस्टॉल कर लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिख के बताएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अभी सिंपली इसको ऐसे ही रहने देंगे, बाय डिफॉल्ट यस कर देंगे। इसको स्किप करेंगे,
इसका पूरा इंटरफेस चेंज हो गया। पर्सनल यूज में नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन करेंगे, पिन मांग रहा है तो पिन देंगे, मैंने पहले इंस्टॉल किया था तो उसको अभी रिस्टोर करने के लिए बोर है, हम रिस्टोर नहीं करेंगे उसके, ऐसे ही जाने देंगे, सेटअप ऐसे न्यू डिवाइस करेंगे। तो इस सब का परमिशन मांग रहा है तो हम इसको अभी परमिशन नहीं देंगे, आप वो आपकी मर्जी, आप बाद में देख सकते हैं, मैं नहीं दे रहा, आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। एक्सेप्ट करेंगे, अभी सब को चेक कर देंगे, इसका फुल परफॉर्मेंस देखना है भाई, इसलिए सब को चेक कर देंगे, उसके बाद एक्सेप्ट। अभी ऑन ड्राइव में नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं, अभी सिंपली ऑन लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन दिस डिवाइस में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अभी ये मेरा विंडोज रेडी हो गया, इंस्टॉल हो गया, वाओ ये वाला एनिमेशन खतरनाक है भाई। ये एनिमेशन नया है, सिर्फ विंडोज 11 में आपको देखने के लिए मिलेगा, खतरनाक लग रहा है भाई। ये अभी इंस्टॉल हो गया, अब देख सकते हैं गाइस एक नया वॉलपेपर आ चुका है। अरे वॉलपेपर सच में खतरनाक लग रहा है, और ये जो डॉक है यहाँ पर टास्क बार, ये पूरा बीच में आ गया, ये पहले जैसे कि विंडोज 10 आप देख रहे हैं ये साइड में था स्टार्ट मेनू, और अभी ये पूरा बीच में आ गया। और देखिए डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पर भी पूरा आइकॉन चेंज कर दिया, सब आइकन चेंज कर दिया, नया नया आइकन आया, अच्छा लग रहा है। अब देखेंगे कि इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, विंडोज 11 प्रो ओएस वर्जन है 21996.1। ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं कैसे लग, इसको क्लिक करेंगे तो विजेट साइड से निकल के आएगा। अब जैसे कि विंडोज 10 में यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर आता है, तो वो सब अभी बीच में आ गया और पूरा ट्रांसपेरेंट है बैकग्राउंड में, सच में अच्छा लग रहा है देखने में। प्रीलोडेड बहुत सारे ऐप्स है जैसे कि पिक्सार्ट, मैसेंजर, Spotify, Netflix, ये सब ऐप्स आपको मिल जाएगा प्री लोडेड, मैसेंजर भी दिया है, पिक्सार भी दिया है। अभी फिलहाल मैं इसको टेस्ट करूँगा,
15 दिन बाद एक फुल ओवरव्यू लाने का कोशिश करूंगा क्योंकि सच में विंडोज 10 से बेस्ट है या नहीं, क्योंकि अभी अभी विंडोज में सबसे बेस्ट विंडोज है विंडोज 10। विंडोज 10 में अभी सब सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है। अब विंडोज 11 में देखेंगे कि विंडोज 10 का सब सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है या नहीं, कि नया विंडोज आया तो इसमें विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं, उसको चेक करेंगे। इसको पूरा पूरा एक टेस्ट करेंगे, 15 दिन का एक पूरा फुल ओवरव्यू लाएंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि अभी आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना ठीक है या नहीं, इसका एक पूरा ओवरव्यू लाऊंगा, अब उसके बाद इंस्टॉल कीजिएगा। आप लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट इंस्टॉल ना करें, वर्चुअल मशीन के थ्रू इंस्टॉल कीजिए, पहले उसको टेस्ट कीजिए, पहले उसको चेक कीजिए, उसके बाद ही आप डायरेक्ट इंस्टॉल कीजिए। यह अभी फिलहाल डेवलपर मोड है, अभी भी ये पूरा लॉन्च नहीं हुआ, ये लीक्ड वर्जन है, तो हो सकता है इसमें कुछ बग्स हो सकते हैं। मैं 15 दिन पूरा टेस्ट करने के बाद मैं टोटल ओवरव्यू का एक वीडियो ला के आप लोगों को दूंगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को, आप इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन वो आपकी मर्जी है आप इंस्टॉल करें या ना। वर्चुअल मशीन में आप एक बार चेक कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कैसा है, आपको अगर अच्छा लगा तो आप यूज़ कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो मत कीजिए, फ्रेश इंस्टॉल मत कीजिए अभी। तो फिर आज के लिए बाय बाय।